तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेहरू प्लेस में, फिर से जबरदस्त गेमिंग पीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सभी कंपोनेंट लगा दिए हैं, बहुत ही यहाँ पर आपको हर तरह के गेमिंग पीसी मिल जाते हैं। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया भैया। तो भैया आज जो है फिर 7,000 की गेमिंग पीसी देने वाले हो? भैया कोई 7,000, कोई 8,000, कोई 10,000 में गेमिंग पीसी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। हम लोग स्टार्ट करते हैं 18,500 से गेमिंग पीसी की, बाकी हम लोग यहाँ पे ना 5 लाख 7 लाख जैसे आपका बजट हो उसके अंदर हम लोग गेमिंग पीसी यहाँ पे बिल्ड करते हैं भैया। ठीक है भैया, तो मतलब चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एक बार शॉप के बारे में बता दीजिए। भैया शॉप का नाम है यहाँ पे आरुष इन्फोटेक और मेरा नाम है सुभाष और मैं यहाँ पे लास्ट यहाँ पे 7 ईयर से पीसी बिल्ड कर रहा हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो आपको अगर पीसी बिल्ड करवाना है तो। ठीक है, तो बात करते हैं इस पीसी के बारे में। तो ये जो है कितने का मिलने वाला है भैया? ये जो पूरा पीसी आपका, इसकी कॉस्टिंग हमने यहाँ पे रखी है सिर्फ और सिर्फ 44,000 में। मैं आपको ये पूरा पीसी यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ। इसके अंदर हमने एक अच्छा यहाँ पे RGB वाला कैबिनेट यहाँ पे लगाया है, प्लस में हमने यहाँ पे बाकी कैबिनेट लगाया वो एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, शॉप के बारे में बता दीजिए कहाँ आना पड़ेगा भैया? हमारे शॉप का एड्रेस यहाँ पे 112 विशाल भवन यहाँ पे नेहरू प्लेस में हम लोग लोकेट करते हैं, नियर बाय मोदी टावर। ठीक है मोदी जी जिंदाबाद। तो बताइए फिर इस पीसी के बारे में भैया। इस पीसी के जब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे इंटेल के i5 12th जनरेशन होने वाला है आपका, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर आपका ये होने वाला है। प्लस में इसके अंदर आपको यहाँ पे 18 MB कैश देखने को मिल जाता है जो कि आज के टाइम में बहुत ही है, जो कि यहाँ पे सफिशियंट है आज के टाइम में यहाँ पे सभी तरह के यहाँ पे मल्टी लेवल के यहाँ पे काम करने के लिए भैया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बाकी बात करते हैं इसके अंदर हमने जो बोर्ड पेयर किया यहाँ पे गीगाबाइट का सैनल इनका S610M V2, इसकी कॉस्टिंग आती है अप्रोक्स यहाँ पे 7,000 रुपीज की। इसमें आपको 2 RAM के स्लॉट देखने को मिल जाता है, प्लस में NVMe के स्लॉट देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल इस प्रोसेसर यहाँ पे बाकी यहाँ पे इस प्रोसेसर के लिए यहाँ पे ये अच्छा यहाँ पे होने वाला भैया इस बजट सेगमेंट के अंदर में भैया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बाकी बात करते हैं इसके अंदर में जो यहाँ पे रैम पेयर किया 8 GB के यहाँ पे 2 स्टिक हमने पेयर किया, 3200 MHz के अंदर में ये आपका क्लॉक होने वाला है। XPG का ब्रांड मिलता है आपको, 10 ईयर्स प्लस की आपको वारंटी देखने को मिल जाती भैया इस रैम के साथ में। ठीक है, देन बात करें यहाँ पे स्टोरेज की, हमने यहाँ पे 500 GB के WD Blue यहाँ पे SSD लगाई है। अगर आपको यहाँ पे XPG चाहिए वो भी आप लगा सकते हैं, इसमें डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कौन सा लगाना भी है, बजट यहाँ पे सेम आपका रहने वाला भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बाकी बात करें इसका अगर यहाँ पे स्पीड की 3500 MB/s की अंदर स्पीड देखने को मिल जाती है जो कि आपको यहाँ पे आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा है अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे डाटा आपको ट्रांसफर करना है तो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, SSD महंगी है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे इस ग्राफिक कार्ड के भैया, गीगाबाइट की तरफ से आने वाला इनका डुअल फैन 1650 4GB DDR6 का ग्राफिक कार्ड आप पे होने वाला है। अगर आपने यहाँ पे 1080 लेवल की अच्छी लेवल की आपको गेमिंग करनी है भैया, आप इस ग्राफिक कार्ड के साथ में जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी 1050 Ti यहाँ पे अब नहीं आता, उस कॉस्ट में आपको मिलता है यहाँ पे 1650 वो भी DDR6 वाला भैया। ठीक है, इसकी प्राइसिंग बताऊं अगर मैं आपको यहाँ पे 12,500 देखने को मिल जाता है, आप इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट यहाँ पे अंडर 44,000 यहाँ पे होने वाला है तो। भैया कितने जीबी का भैया? भैया 4GB का आपका DDR6 का ग्राफिक कार्ड है भैया। तो 4GB का 12,500 भैया, 4,000-3,000 में तो मिल जाता है भैया। वो देखो मिलने के लिए हमने यहाँ पे 3500 रुपए का मेरे पास भी आपको 730 मिल जाता है, बट डिपेंड करता है कि भैया वो कौन सा है, वो DDR3 का आता है, ये आपका DDR6 है भैया। दोनों की परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें दोनों की परफॉर्मेंस की, आप किसी भी दुकानदार से लेते हो उससे ये पूछना भैया कि इस 4GB के ग्राफिक कार्ड में कितने कूड़ा कोर्स हैं, उसकी बोलती वहीं बंद हो जाएगी, वो बोलेगा भैया ये ग्राफिक कार्ड आपके लायक नहीं है भैया। ठीक है, तो इसमें कूड़ा कोर क्या होता है भैया? कूड़ा कोर का आपका बेसिकली यूज होता है यहाँ पे रेंडरिंग के टाइम पे होता है यूज, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग वाले जानते हैं वो लोग यहाँ पे, और जो लोग यहाँ पे गेमिंग करते हैं ना उनको भी यहाँ पे पता होगा भैया। मतलब इसके अंदर जो प्रोसेसर होते हैं जो काम जिसका उसी का काम होता है, इसके अंदर जो चिप होता है ना उसके अंदर में आपको क्या स्पीड मिलती है, ठीक है, कितना FPS मिलता है, रेंडरिंग के टाइम में क्या स्पीड मिलता है, ये सब डिपेंड करता है कूडा कोर्स के ऊपर भैया आपका। ठीक है और साथ ही इसमें आपको जो इसके जो क्लॉक स्पीड होती है ना वो भी मैटर करता है भैया। ठीक है, आप कभी भी किसी दुकानदार से आप पूछना भैया 4GB का कितने का ग्राफिक कार्ड है, आपको बोलेगा 5,000 6,000, उससे पूछना भैया इसमें कितने कूडा कोर्स है, उसके बोलती वही बंद हो जाएगी भैया। ठीक है, मतलब गेमिंग के लिए कूडा कोर बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एडिटिंग के लिए। अगर कोई इस तरह का पीसी बिल लेता है भैया तो कोई ना मतलब नॉर्मल काम के लिए तो लेगा नहीं, ठीक है, उसे गेमिंग करनी होगी या फिर वीडियो एडिटिंग करनी होगी। आज के लिए यहाँ पे यूट्यूब का ट्रेंड है इंडिया में, यहाँ पे जो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है ना वो बहुत ज्यादा फैल रही है, तो उसके लिए आपको पीसी का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। जितना ज्यादा कूड़ा कोर होगा उतना अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखो आप लेने के लिए यहाँ पे इस बजट के अंदर में लैपटॉप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बात करूँ यहाँ पे लैपटॉप की परफॉर्मेंस की, आप कभी भी चेक कर लो यहाँ पे लैपटॉप और डेस्कटॉप में ना भैया जमीन आसमान के अंदर, तो बस एक ही खासियत होती है लैपटॉप के अंदर में, वो पोर्टेबल होता है, बाकी प्राइस इफेक्टिव
प्लस में आपके यहाँ पे लॉन्ग टाइम चलने वाला वो सिर्फ आपके यहाँ पे डेस्कटॉप होने वाला भी है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा लगाया? फाइनल नंबर कंपोनेंट इसमें होने वाला आपका ये, हमने इसमें जो पावर सप्लाई लगाई है हम लगाने के लिए भी है ना, ये आपका आता है एंड स्पोर्ट का, ये भी लगा देते, आईवोल का आता है ये भी लगा देते भाई, ये आपका 1600 रुपए का आता है, ये आपका आता है 1500 रुपए का, बट हमने इसमें जो पावर सप्लाई लगे ना कॉर्सर का आने वाला इनका 3100 रुपीज का आने वाला ये पावर सप्लाई आपका, ये CV450 AT प्लस ब्राउन। जब भी यहाँ पे कोई क्लाइंट आता है या विजिट करता है ना, तो आप इसको यहाँ पे जब भी आप इसको या फिर ऑर्डर करते हो ना, आप इसको हाथ में लेके यहाँ पे फील कर सकते हो ये एक्चुअल 450 है भैया, 80 प्लस ब्रॉन्ज की रेटिंग है और ये पावर सप्लाई कभी आपकी खराब नहीं होती भैया। अच्छा ठीक है, और इस बिल्ड के लिए नहीं, इसमें आपको RTX 2060 जैसा अगर ग्राफिक कार्ड भी लगाना हो ना, तो ये आपका पावर सप्लाई आराम से उसको यहाँ पे टैकल कर लेगा, प्लस में 5 ईयर्स की ब्रांड वारंटी है। कॉर्सर यहाँ पे जाना माना ब्रांड है पीसी इंडस्ट्री के अंदर भैया, 5 साल की वारंटी, 5 साल की वारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट, आखिरी हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर भैया, आपका ये कैबिनेट होने वाला है, ये हमने यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज किया, जिसमें आपको यहाँ पे फ्रंट के अंदर पूरा RGB देखने को मिल जाता है, बैक में आपको यहाँ पे एक फैन देखने को मिल जाता है। अगर हाँ, इसकी कॉस्टिंग भी 3100 रुपीज के आसपास है, क्योंकि हमने कंपोनेंट ऐसा रखा इसमें इतना हीटिंग का इशू नहीं है, बाकी अगर किसी को इसमें ये वाला कैबिनेट चाहिए वो भी लगा सकते हो भैया, अगर ये लगाओगे तो वो भी लगा सकते हो, डिपेंड करते हैं आपने कौन सा लगाना है, मैं आपको सेम बजट के अंदर में इनमें से कोई भी कैबिनेट लगा के दे दूंगा, पूरा पीसी बिल्ड भी आइए। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, मतलब इसमें गेमिंग दबा के हो जाएगी भैया, आराम से हो जाएगा, आप समझो ना, अगर आप इस ये पूरा सेटअप अगर आप बिल्ड करते हो आज के टाइम में ना, तो 50,000 में आपको ये पूरा पीसी बिल्ड मिल जाएगा विद 22 इंच आपका ये मॉनिटर के साथ में। अच्छा, आपको मॉनिटर के साथ 22 इंच मॉनिटर प्लस में आपका ये एक आपका RGB वाला आपका एक कीबोर्ड माउस भी होने वाला है इसके साथ में ना, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में आप यहाँ पे 1650 के साथ में 16 GB रैम 500 GB का SSD के साथ में आप पूरा पीसी बिल्ड यहाँ पे आप कर सकते हो, फुल सेटअप ओनली 50,000 रुपीज का भैया, बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों ये है एक्चुअल गेमिंग पीसी, तो अगर आप 7,000 का i3 i5 3rd 4th जनरेशन लेते हो तो उसमें कुछ गेमिंग नहीं होता है, तो अगर आपको एक्चुअल गेमिंग पीसी चाहिए तो इस तरीके के गेमिंग पीसी आप बनवा सकते हो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, यहाँ की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।